केंद्रीय विद्यालय करेरा में शनिवार देर शाम को वार्षिकोत्सव और पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि डीआईजी सुरेंद्र खत्री रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्काउट गाइड के छात्रों ने मार्च पास्ट कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि डीआईजी आईटीबीपी आरटीसी करेरा सुरेंद्र खत्री, विशिष्ट अतिथि अंजलि खत्री सहित एसडीएम डीसी शुक्ला, एसडीओपी जीडी शर्मा और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रिंसिपल दर्शन लाल मीणा ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विद्यालय की गतिविधियों व उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। तत्पश्चात कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ड्रामा डिबेट आयोजन का तत्पश्चात कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ड्रामा डिबेट आदि का आयोजन हुआ, जिसमें पानी पांच दरिया वाला व नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो नाटक प्रस्तुत किए गए। ऐसा देश है मेरा के रूप में सामूहिक नृत्य, जय हो के रूप में कोरियोग्राफी गीत और अंत में गिद्दा व भंगड़ा प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि श्री खत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में ढेर सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, उनकी प्रतिभा को सामने लाने के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में वार्षिक उत्सव समारोह व आयोजन से बच्चों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच मिलता है। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा ऋतिका तिवारी ने डीआईजी सुरेंद्र खत्री की स्क्रेच बनी तस्वीर भेंट की। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वो भी हमारे मिसेस कति भी हैं। इस केंद्रीय विद्यालय संगठन की हुई यहाँ तक है। अच्छा, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो मुझे भी कहीं पर बड़ा कौंधा, वो ये था, उन्होंने कहा तत्त्वम पुषान अपावृणु। इसका बड़ा अद्भुत और गहरा अर्थ है। हमारे जो स्कूल, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो ये है कि मुझे प्रकाश सत्य का अनावरण करें, अनावृत करें सत्य को। ये सूर्य भगवान से प्रार्थना है और ये मुझे शायद याद पड़ता है तो ईशो फसल शरीर दिया गया। तो विद्या का जो मूल है कि सत्य के जो असत्य के आवरण को खत्म करें और सत्य की ओर ले चलें, अस्तो मा सद्गमय का जो मूल बीज मंत्र है वो इसका आदर्श वाक्य हमारे केंद्रीय संगठन का है। और ये हम